हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेति फैशन डिजाइनर। आइए आज हम ब्लाउज की जो हमारी ये वीक साइड है इसमें हम एक सुंदर और सिंपल से डिजाइन बनाते हैं जो कि बनाने में इजी भी हो और जो बहुत सुंदर भी हो। तो ये हमारी ब्लाउज की वीक साइड है और सबसे पहले हम इसकी जो नेक है वो कटिंग करके और इसको फोल्ड करेंगे। तो डिजाइन पहले हम और इस डिजाइन की देखिए, एक हमारा ये पार्ट्स हो गया है और दो इसके ये पार्ट्स करेंगे। तो एक पार्ट्स ये होगा और एक पार्ट्स ये होगा और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ये ऐसे पार्ट्स हैं, ये हमारा नेक होगा और ये हमारी डिजाइन होगी। तो इस प्रकार से ये एक कट हो गया है, इसके हम दो कट कर लेते हैं, एक यहाँ से कट करेंगे, एक ये वाला कट होगा। तो ये इस प्रकार से हमने कट लिया है, ये बीच का कट है और ये एक पार्ट्स है और ये एक पार्ट्स है। तो ये अब हम इनको कपड़े पे स्टिच करेंगे, फर्स्ट डिजाइन, और ये वाली सेकेंड होगी और ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी जो यहाँ बीच में ऐसे लगेंगे। तीनों डिजाइन्स को, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हमने एक कपड़े पे ऐसे कच्ची स्टिचिंग कर लिया है। और अब हम सबसे पहले देखिए इस कपड़े को और इसका जो दूसरा पार्ट है इसको स्टिच करेंगे। ये जो इसका दूसरा पार्ट्स है ये और ये डिजाइन इसमें स्टिच होगी और ये नीचे का पार्ट से, तो इस डिजाइन को हम इसमें स्टिच कर रहे हैं। और ये देखिए इसको हमने ऐसे ऊपर से स्टिच कर लिया है और यहाँ से कट लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे खोलेंगे, फोल्ड करेंगे। ये डबल है और इस प्रकार से ये ऑन हो जाएगा और ये इसको हमने ऐसे ऑन कर लिया है। अब जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर लें, आधा इंच का छोड़ करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है इसको हम ऐसे कट करेंगे। और इस पर आप कट भी लगाएं ताकि फोल्ड करने में आसानी हो, अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो ये फोल्ड करने में इसकी आसानी नहीं होगी। तो हमने इसमें कट लगा लिए हैं और ये अब आसानी से फोल्ड हो जाएंगे। ये देखिए अब ये जो हमने स्टिचिंग की हुई है इसको हम बाद में खोल देंगे, अभी हमने इसको फोल्ड किया है और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं पास पास में कोना। इस प्रकार से इसको स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद ये हमारा डिजाइन बन चुका है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम फिर कट कर देंगे। इतना आप इसके एक्स्ट्रा रख लें और इस तरफ भी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे कट कर देंगे। और ये हमारा एक पैटर्न बन चुका है। फर्स्ट वाला देखिए कटिंग करके ऐसे एक कपड़े पे सिंगल पे स्टिच कर लें और इसके बाद इसको ऐसे डबल करके और ये जो डबल कपड़ा है इस पे रखे और ऐसे स्टिचिंग इसकी सिलाई करनी है। ये स्टिच इसलिए किया गया ये बीच वाला ताकि आपकी जो पास्टिंग है वो हिली नहीं और कपड़े भी चिपकी रहे। ये हमने डिजाइन्स की तीनों पैटर्न्स तैयार कर लिए हैं। अब आप इस पे चाहे तो पाइपिंग लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। बहुत ही सरल और ये इजी नेक हमने आपको बना करके बताया है और ये डिजाइन्स में बहुत सरल और सुंदर है। इसको आप इस प्रकार से कट लगा लें, पहले इसको कट करेंगे, आधा इंच से एक्स्ट्रा में नहीं रखना इसको, इस प्रकार से आधा इंच से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना रखें और फिर ऐसे आप कट लगा लें और जो बीच का सेंटर है उस पे ऐसे बिल्कुल अच्छे से कट लगाना है। जहाँ तक की हमारी सिलाई है वहाँ तक की हमें कट लगा लेना है। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये ऐसे हमारा फोल्ड हो गया। बहुत ही आसानी ही है फोल्ड करने में, भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है।
और बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है देखिए, इस तरफ से हम इसकी एक स्टिचिंग कर लेते हैं। ये दो, ये फर्स्ट डिजाइन है देखिए ये, और इसमें भी जो फोल्ड करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा हो उसके आप इस प्रकार से कटिंग कर दें। जितना हम इस सिलाई में रखना चाहिए उतना ही हम इसको रखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट डिजाइन्स हैं, और ये देखिए ये होगी सेकेंड डिजाइन्स। इसको हम ऐसे लगाएंगे बराबर में, बिल्कुल जैसे कि हमारी कटिंग की हुई है, ठीक है। और ये हमारी होगी थर्ड में। तो ये हमारी नेक की जो डिजाइन्स है वो डिजाइन्स बनेंगी ऐसे। और ये देखिए जैसे ब्लाउज का नेक है, इसको मार्किंग कर लिया है और सीधा स्टिचिंग करके फिर इसको कट करेंगे। जैसे हमारी मार्किंग की हुई है वैसे वैसे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पूरी नेक राउंड को हमने स्टिच कर लिया है, अब बीच के पार्ट्स को अब हम कट करेंगे। जैसे ये स्टिच हो गया है अब इसको आप कट कर लें। बहुत ही सरल डिजाइंस बनाया मैंने आपको दिखाया कटिंग करके और पेस्टिंग करके, और अब हम इसको कट करके और आधा आधा इंच की रखेंगे और उसके बाद भी इस पर कट लगाएंगे। देखिए ऐसे चारों ओर आप कट लगा लें। ये बिना पाइपिंग का नेक बनाया हमने, और आप इस पे पाइपिंग लगा के भी बना सकते हैं। वैसे मैंने पाइपिंग के बहुत सारे नेक जो यूट्यूब चैनल पे डाले हुए, तो आप अलग अलग तरह की और नेक्स जो बना सकते हैं। और भी आपको फर्मा कटिंग चाहिए तो हर नाप को आपको संचेती फैशन डिजाइनर पे अवेलेबल मिलेगी। तो जो भी साइज की आपको, जैसे 32, 34, 44, जो भी साइज, चाहे बेल्ट ब्लाउज हो, चाहे सिंगल कटोरी हो या फिर प्रिंसेस कट हो, तो टोटल आपको कटिंग की और फर्मा कटिंग ब्लाउज की यूट्यूब चैनल पे संचेती फैशन डिजाइनर पे आपको अवेलेबल मिलेगी। जिस साइज की भी चाहिए आप सर्च करें और वीडियो देखें और कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखें। तो ये हमने कट लगा लिए और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा है ब्लाउज, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऐसे नेक को हमने फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा नेक जो है बन करके ऐसे तैयार है। जो भी इसकी बीच की स्टिचिंग थी इसको हमने ऐसे खोल लेना है। तो ये आपका नेक तैयार है। और अब हम इसकी साइडें जो है कच्ची स्टिच करके फोल्ड करेंगे। पहले ये जो देखिए ये हमारा नेक है, और इसकी जो ये साइडें हैं हमारी बाजू, और इसको हम कच्ची स्टिचिंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ बीच में डिजाइन्स लगाएंगे। अब इस पेटिन को हम यहाँ स्टिच करेंगे। देखिए बीच में सिलाई बिल्कुल नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसे हम इसको स्टिच करेंगे। आप चाहे तो इस पर पाइपिंग लगा सकते हैं, और आप चाहे तो इसको ऐसे ही स्टिच कर सकते हैं। तो ये हमने इसको ऐसे ही स्टिच किया है। तो ये हमारी एक स्टिचिंग भी हो गई है और ये डिजाइन हमारी यहाँ पे स्टिच हो गई है। अब ये हमारे नीचे वाले डिजाइन्स हैं, इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे। देखिए इसको यहाँ बीच सेंटर से यहाँ से, और सिलाई को नीचे इस प्रकार से कवर करते हुए और यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। और इसके लिए हम धागा चेंज करेंगे। इसके लिए हम दूसरा यही कलर का मैचिंग का धागा लगाएंगे और इसको हम ऐसे स्टिच करेंगे। तीनों पार्ट्स ऐसे जॉइंट कर लिए हैं। अब ये हमारा नेक है, और ये देखिए ये जो नेक है यहाँ पे, इसको हम ऐसे बीच में सेंटर में जो सेटिंग करेंगे कि हमारा नेक का यहाँ पे सेंटर है, और ये इस प्रकार से आप इसको ऐसे अटैच करेंगे। तो ये हमारा
नेक ऑलरेडी बन चुका है। तो आपको हमारी ये डिजाइन्स कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।